जय श्री कृष्णा। कल के अध्याय में आपने सुना था कि वैश्य की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल घोर अपराध करने लगे। कुछ समय बाद वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। कुंडल को नरक में भेजा गया एवं विकुंडल को स्वर्ग में भेजा। तब विकुंडल ने यमदूत से पूछा कि मैंने भी मेरे भाई के समान ही पाप किए हैं, परंतु मुझे स्वर्ग में क्यों भेजा है? तुमने माघ मास में बहते हुए पानी में स्नान किया है, इसके पुण्य फल से तुम्हें स्वर्ग मिला है। फिर विकुंडल यमदूत से कहता है कि तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। आज आप सुनेंगे इससे आगे। यमदूत विकुंडल से कहने लगा कि तुमने बड़ी ही सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह के वश अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भी प्राणी शरीर वचन और मन से कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्र और अंगहीन उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वचन और मन दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो भी हिंसा नहीं करते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार बहने वाली नदियाँ आखिर में आकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सभी धर्म आखिर में आकर अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को पाते हैं। जो भी मनुष्य जलाशय आदि बनाता है और सदैव ही पांचों यज्ञ करते हैं, वह यमपुरी में नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे कभी भी स्वर्गलोक से वापस पृथ्वी पर नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले लंगड़े वृद्ध अनाथ तथा गरीबों का पालन पोषण करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गायों के लिए पानी का आश्रय बनाते हैं तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदा ही स्वर्ग में रहते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे वैसे उस मनुष्य का धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याहू आदि लगाते हैं, वह अक्षर स्वर्ग को पाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते, जो कि अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से मिलता है। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है, वह सदा ही दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह नरगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। साथ ही जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी भी यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णुलोक को चले जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न सोना फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना कि तुलसी की माला के दान का। जो फल आम के हजार और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार दो या तीन बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फुटित रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में पर्वत या वन में रखी हुई शिव मूर्ति की पूजा करता है और सदा ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक की कथा भी नहीं सुनता,
और ना ही यमलोक को प्राप्त होता है। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीन लोक में और कोई काम नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता, पिता, देवता और अतिथियों का हमेशा ही पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। फिर यमदूत विकुंडल से कहता है, हे विकुंडल, मध्याह्न के समय आया अतिथि, मूर्ख या फिर पंडित, वेद्यपाठी या फिर कोई पापी, कोई भी व्यक्ति आए वह ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न व जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह व्यक्ति स्वर्ग का अधिकारी है। अतिथि के बराबर ना तो कोई धन है और ना ही कोई संपत्ति है। साथ ही इस संसार में अतिथि के समान कोई हित ही नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह व्यक्ति यम का द्वार भी नहीं देखता है। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है वह मनुष्य अन्न का दान करे। फिर यमदूत विकुंडल से कहता है कि हमारे प्रभु यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो मनुष्य गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदा ही अन्न का दान करते हैं वह कभी भी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक में नहीं जाता और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक का अधिकारी होता है। जो काया, वचन और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को पाता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय है वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यमलोक में नहीं जाते। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय में बहते हुए जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनि नहीं पाते और न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। फिर यमदूत विकुंडल से कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान, पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता है मनुष्य। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा नहीं करने वाला, सब प्राणियों पर दया रखने वाला, पराये धन को तिनके के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक का अधिकारी नहीं होता है, वह हमेशा ही सुपात्र होता है। फिर यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और मनुष्य अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य ही नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजनों दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता है, इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो मनुष्य कीचड़ से गाय को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है तथा जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदा ही उत्तम गति को पाता है। प्रातः के समय स्नान के बाद जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वह यम की यातना नहीं सहते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता
वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराए धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता के समान करता है वह यम का द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को पाते हैं। सील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है, शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को पाते हैं। जो अज्ञानियों को वेदशास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको भी वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को पाते हैं। बुद्धिमान को सदा ही वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं पाता। गोविंदाय नमः, इस मंत्र का जाप करता हुआ जो भी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। साथ ही जो भी मनुष्य ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस द्वादक्षर मंत्र का या फिर ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर आगे यमदूत विकुंडल से कहते हैं, हे वैश्य, मनुष्य को सदा ही शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इनमें निवास होता है। जो भी मनुष्य शालिग्राम की शिला या फिर हरिचक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल पा लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में भी इतना आनंद नहीं मिलता है जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता है जितना एक शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सब से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करे तो वह बैकुंठ में जाता है। जो सदा ही शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को पाता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो लोग नित्य ही शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, हवन करोड़ों गुना फल देते हैं। जो मनुष्य एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात वह गर्भाशय में नहीं आता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को पाते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है
वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। आज के अध्याय में इतना ही। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको पहले की सभी कथाएं वहां पर मिल जाएगी। राधे राधे।